सॉरी कर्ण हो गए। अब इसके बाद जीवा, जीवा और मुख। तो उज्जयी, जैसे आपने बसरी का भी ऊपर किया है ना, जरिए ना बसरी का बोलिए। आपने सुबह जो दीर्घ श्वसन किया ना, तो उसे सौम्य भस्त्रिका कहा जाता है। तो हमें अभी भस्त्रिका करनी है, तो पहले सांस को हल्के से भरना है पहले, और हल्के से छोड़ना है। छाती के, छाती में भरना है, ऊपर ऊपर के। ठीक है, इसे कहते हैं भस्त्रिका। और उसके आगे वाला है युपाजित भस्त्रिका। दो दो भागों में हमें इसको सांस में भरना है, दो झटके से। रुकना है कुछ देर सांस भर के। 10 बार किया करो ये। ऊपर की भाग, ऊपर छाती में भरना है। रुक जाओ, इसे सौम्य भस्त्रिका कहा जाता है। इसके बाद उज्जयी, यानी हम नींद लेते समय जो खुर्राहटें लगाते हैं ना, तो उस प्रकार की ये उज्जयी इसे कहते हैं। सांस भरते हुए पहले ठोड़ी को नीचे करना है, और फिर सांस भरना है। और ऐसा जो हवा सांस भरते हुए अंदर वो घर्षण हो रही है, तो इसका इसको महसूस करना है। आंखें बंद करेंगे, ठोड़ी नीचे, सांस अंदर, हाँ ये करते रहिए। जय श्री कृष्ण। प्रार्थना से शुरू करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री। अभी खेल के बारे में संजय भैया ने बताया कि हम खेल सीखने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को ये लगने लगा होगा कि हम कैसे खेल खेलेंगे, हम तो छोटे बच्चे नहीं रहे अभी, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा खेल खेलना ये बच्चों को बहुत प्यारा लगता है। और हम लोग अभी संस्कार कार्य में आए हैं, तो हमें बच्चों को खेल खिलाना भी आना चाहिए, और हमें छोटा बनना भी आना चाहिए। जब हम बच्चों के साथ खेल खेलेंगे, तो बच्चे बड़े शांति से और हर रोज अपने केंद्र में आया करेंगे। अभी आपको क्या लगता है कि बच्चे, हम जैसे बैठे हैं यहाँ पर शांति से, वैसे ही बच्चे बैठते हैं अपने अपने केंद्र पर बैठते हैं? तो उस समय अगर आप उनको कहोगे शांति से बैठो हम खेल खेलेंगे, तो बच्चे बिल्कुल शांत बैठेंगे। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे खेल हैं जो 1 मिनट 2 मिनट खेलने से तुरंत बच्चे शांत हो जाएंगे। और हमें जो कहानी कहनी है या जो अच्छे विचार बच्चों को देने हैं, तो उस समय वो बच्चे सुन पाएंगे। इसीलिए कुछ छोटे छोटे खेल से उनको हम सीखेंगे। और हम जो नोटबुक हमें मिली है, उसमें आप उसको नोट शाम के समय में नोट डाउन कीजिए। तो पहला खेल है वीरो। वीरो यानी जो वीर होते हैं, जैसे कहानी में अभी बताया भाव ने कि बाजी प्रभु देशपांडे या शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, ये जैसे वीर थे, वैसे अपना एक खेल है वीरो। तो वो खेल हमें खेलना है, हम सब यहाँ पर वीर हैं, उसको हमें खेलना है। उत्तिष्ट बोलने से हमें जगह पर खड़े होना है, और उपोष बोलने से जगह पर ही बैठना है। ये आज्ञा है, संस्कृत में है, ये बच्चों को हमें सिखानी है। और केंद्र में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी और संस्कृत शब्दों को ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आजकल हम ज़्यादा इंग्लिश की बातें करते हैं, इंग्लिश में ऑर्डर्स देते हैं बच्चों को। तो उत्तिष्ट इसका मतलब है खड़े होना, अच्छे बन के सिखा पाओगे। ठीक से
देना बहुत जरूरी होता है, है ना। तो बच्चों को बहुत मजा आता है और आजकल बच्चों को सबसे ज्यादा प्रिय होता है वो गेम्स। आप बच्चों को बोलो चलो बच्चों हम खेल खेलेंगे तो बच्चों उछलेंगे, सब छोड़ देंगे, फेंक देंगे हाथों वाला। तो गेम्स बच्चों को बहुत प्रिय होते हैं, इसीलिए बच्चों को बीच बीच में खेल खिलाना चाहिए। पानी पानी खाते क्या लालू, चिवड़ा, पेड़ा, थम्स अप, वेरी गुड। तो ये सब छोटे छोटे जो खेल है ना, ये सब बच्चों को ध्यान केंद्रित करने के लिए खेल है, ठीक है। अब दीपावली के दिन बच्चे पटाखे उड़ाते हैं, है ना। तो वैसे एक छोटा होता है राकेट ना जो ऊपर जाता है, तो वो राकेट हमें अभी चलाना है। कौन सा जैक लीजिए हाथ में, इसे कौन सा जैक लेते हैं, रैकेट होता है ना, कार हीटर, पकड़ो आशु एक लैपटॉप पकड़ लिया उसको, और उसमें एक क्या होती है बीच में माटी होती है, निकाल दे ना, कितनी निकाली, थोड़ी सी निकाल, अभी उसको लगाना है तो नीचे बॉटल रखनी है या तो मिट्टी होती है या तो बॉटल में रखो, रख दिया। चाहिए माची चाहिए, निकालो, सही सही नहीं है गलत पूरी आदत। माचिस निकाली उसमें से खोलो उसको, एक तिली लगाओ छिलगाओ, फेल गई ना पहले, कहीं होती ही क्या फैल गई, फिर से निकालो खोलो, एक तिली लगाओ नीचे लगाओ पाती को लगाओ, अभी ये एक्शन सभी को करना है एक साथ, जब ये ऊपर जाता है ना तो जोर से आवाज एक साथ आना चाहिए, चलो रैकेट ऊपर तो बंद है लेकिन निकल जाएगा, हम सब एक साथ चलाएंगे तो निकल जाएगा ऊपर, चलो रैकेट बॉटल में रखो, बाती बाती निकालो ना पहले, हाँ रखो, माचिस निकालो, जूटी जूटी, हाँ तीली बंद करो, क्या लगाओ नीचे, चला गया ऊपर, सावधान उत्तिष्ठ। हंसने वाला खेल खेलना है, ये ग्रुप बोलेगा दो बार हा हा, और ये बोलेंगे ही ही, हाथ जब हाथ ऊपर आएगा तब, रेडी जोर से और दो बार, आवाज नहीं आया, दिल खोल के हंसना चाहिए, पहले से हंसना आजकल लोग हंसते ही नहीं, तो हंसने के लिए बोलना पड़ता है, लाफ्टर क्लास जाओ और हंसो, कम से कम झूठा तो हंसो, तो हंसो सोनू सोनू, जब सुनसान होता है और हवा चलती है, जैसे अभी भी कुछ हवा चल रही है, हवा का आवाज़ आता है, पता है ना आपको, खिड़कियों में या तो कहीं जाते हैं तो उसकी आवाज़ चलती है, तो कैसे चलती है वो, हाँ तो ऐसे। अब मेरा हाथ भी जैसे जैसे जाएगा ना वैसे आपको आवाज़ करने है, यानी यहाँ से निकल गया आपकी आवाज़ बंद, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इधर हाथ आया आपका आवाज़ नहीं निकलना है ना, चलो रेडी गया चला गया वो, फिर
रुक गया। क्या हुआ बच्चों? बच्चे ऐसा करते हैं जब आप ये खेल खिलाओगे ना उनको, तो बच्चों को पता है कि हाथ निकल जाने के बाद रुकना है, लेकिन बच्चे चलते रहते हैं, उनका बंद ही नहीं होते। तो बोलना है आपको कि ये खेल है, और कोई बदमाश बच्चे होते हैं वो, है ना, बहुत बदमाश होते हैं, आप कितनी भी बात बोलो तो करेंगे ऐसा। अब हम आ रहे थे और खिड़की में से जब देख रहे थे बाहर, तो अलग अलग पंछी दिख रहे थे बाहर। तो जैसे ही चित्रकूट में हम पहुंच गए, वो हाईवे पहुंच गए, तो बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े कलरफुल पंछी मैंने देखा वहाँ पर, मस्त चल रहे थे, पेड़ पे बैठ रहे थे, कुछ नीचे दाना खा रहे थे। तो मैं पंछियों का नाम लूँगा, तो आपको हाथ ऊपर करके बोलना है। उड़ते हैं ना पंछी, तो उसको भुर बोलते हैं, भुर मराठी में बोलते हैं उसको, भुर, है ना। तो क्या बोलना है आपको? भुर। हाथ ऐसा करके क्या करना है? भुर। उड़ जा पंछी, है ना, ठीक है, हाथ ऐसे, हाँ भुर। लेकिन मैं पंछी का नाम लूंगा, तो आप पहले इनको अच्छा फुर बोलते, चलो आप फुर बोलो फिर। रेडी? कौवा, हाथ नीचे, हाँ। कौवा, चिड़िया, ध्यान है, वेरी गुड। कौवा, चिड़िया, कबूतर, गधा, और पटना, पटना में वो होता है क्या गधा? पता है बच्चे, कहीं कहीं उड़ते नहीं है गधे, पता नहीं, लेकिन पता चल जाता है यहाँ पर। अब इसके बाद ऐसे बहुत सारे खेल हैं, हमारे आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर श्रीधर जी राजगुरु सर थे, उनका 2 साल पहले स्वर्गवास हो गया। उन्होंने गीता परिवार के लिए बहुत सारे खेल लिख के रखे हैं, जैसे ये एक एक मिनट की खेल है ना, जैसे एक मैदानी खेल है, तो बड़े बहुत सारा संग्रह है गीता परिवार के लिए। और हम जो बच्चों के बीच जब काम करते हैं, तो खेल आना बड़ा जरूरी है। अब इस तरह से हर रोज, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने इतने सीखे और एक ही दिन में सब बच्चों को खिला दे, तो दूसरे दिन से फिर आपको पड़ेगा प्रश्न पड़ेगा कि आप क्या खिलाओ इनको। तो एक दिन एक खेल, है ना, ऐसा होना चाहिए। ये तो एक ही दिन खिलाओगे, फिर दूसरी बार अगर मैं आप उसी ये रिपीट करूँगा ना खेल, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है पहले से। तो हर एक दिन एक खेल होना चाहिए, और सिर्फ बच्चों ने कहना चाहिए कि भैया दीदी ये खेल खिलाओ वो खिलाओ, है ना, तो ऐसे खेल खिलाना है। अभी मैं भी भूल जाता हूँ कि अभी कौन से खेल रहे हैं। अभी तीन बोलने के बाद एक ताली बजाना है हमको सभी को, हाथ ऐसे। मैं जब तीन कहूंगा तो आपको एक ताली बजाना है। रेडी? एक दो क्या हुआ? तो आपने ताली क्यों बजाई? मैंने तो कहा तीन बजने के बाद ताली बजाना, तीन बोलने के बाद। रेडी? एक दो क्या हुआ? क्यों बजाई? रेडी? ध्यान दे, हाँ, एक दो बज गई। ऐसा क्यों होता है, कहीं बता सकता है ऐसा क्यों होता है? कनेक्ट होता है जो आपके बच्चों को आदत होती है कि सोचने से पहले सामने वाला क्या कर रहा है बस उसको फॉलो करो। जैसे सुबह बताया ना भैया ने कि क्रिया प्रतिक्रिया, हमारी प्रतिक्रिया हो जाती है पहले, तो बच्चे देख के सीखते हैं। तो इसीलिए जब हम केंद्र पे रहते हैं ना, तो हम उनका आदर्श होते हैं, हम कैसा चलते हैं, हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा बाकी बच्चों से बर्ताव कर रहे हैं, ये सब बच्चे देखते हैं। तो इसलिए हम उनके सामने जब खड़े होते हैं तो हम आदर्श होते हैं। तो इसलिए हमने सब वो सब ध्यान देके करना चाहिए। तो सभी का ध्यान अभी निश्चय करें कि
तीन बजने के बाद ही हम ताली बजाएंगे, तीन बजने से पहले ताली बजाएंगे नहीं, निश्चय करें। रेडी, चलो हम चित्रकूट भूमि में आए हैं। एक दो, एक ताली बजी, यानी 99% सीख गए, अब 100% होना चाहिए, 100%। रेडी, एक दो तीन, वेरी गुड। तो ये जो कार्य हम करने जा रहे हैं, तो ये कार्य बड़ा मुश्किल है, बीच बीच में कहीं हमें चढ़ उतार आने वाले हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, थोड़ा प्रयास करने से हम लोग सब सीख जाएंगे। जैसे हमने कोशिश की ना अभी कि तीन बोलने से पहले ताली नहीं बजाएंगे, तो हमने बिल्कुल ताली नहीं बजाई, तो पहले तो ताली बज गई क्योंकि बीच बीच में चढ़ उतार आ गए, लेकिन जब निश्चय करते हैं तो ये काम आसान हो जाता है और हम बड़ी अच्छी तरह से। हाँ, एक बार देखिए आप, थोड़ी नीचे, और जब सांस भरते हैं तो वो अंदर घर्षण होता है यहाँ पर, तो उसको अभी आवाज सुनिए आप। ऐसे पांच बार करना है, फिर से थोड़ी नीचे, सांस भरते हुए, थोड़ी नीचे ही रहे, पांच बार होने के बाद गर्दन सामने, मुख सामने रहे, और ये सांस को छोड़ना है, दीर्घ श्वसन, इसके बाद जीवा के लिए हमें करना है शीतली, इसके लिए क्या करना है, पहले जीवा को बाहर निकालना है, और फिर जो जीवा बाहर निकलने के बाद उसकी एक गोल उसकी उंगली होती है वो बनाना है उसकी, और फिर उससे सांस को अंदर खींचना है, पहले समझिए सभी को कहना ही है, वो जो सांस अंदर भरते हैं फिर वो भरने के बाद फिर उसको वही रोक के रखना है, और फिर धीरे से नाक से फिर छोड़ना है, ये क्रिया हमें तीन बार करनी है। रेड कैटे से धीरे जीवा बाहर, तुरंत छोड़ना नहीं है, पहले सांस भरने के बाद उसको रोके रखो, फिर धीरे से छोड़ो, फिर से जीवा से नहीं छोड़ना है, नासिका से छोड़ना है, हाँ जीवा अंदर लेना, बात है सांस भरने के बाद जीवा को अंदर लेना, फिर उसको वही रोकना, और फिर ठंडक पहुंचती है, हाँ इसलिए उसको शीतली बोलते हैं। रेडी, तीन बार सांस अंदर, फिर नासिका से बाहर, तीन बार होने के बाद रुकना है,
बड़े हैं तो समझ रहे हैं, तो एक के लिए जिह्वा को बाहर निकालिए, दो के लिए सांस को जिह्वा की उंगली के द्वारा अंदर लीजिए पेट तक, तीन के लिए जिह्वा को अंदर ले जाइए, सांस को पेट में रखिए, और चार को अपने दोनों नाखून या मोजन्स के द्वारा सांस को छोड़िए। जैसे ये सुझाव दीदी ने बहुत ही अच्छा दिया है, तो हम यानी हर क्रिया हमें बच्चों को कमर पे ही सिखानी है। अभी हमारे पास समय कम है और इसीलिए हम सब और सभी को बहुत लोगों को पता है, देखा है, सुना है, इसलिए हम जल्दी ले रहे हैं, लेकिन हमें सिखाते समय ये बच्चों को कमर पे ही सिखाना है। तो अभी जैसे सुझाव आया है उस तरह से हम एक बार कोशिश करते ही करेंगे। एक, जीवा को बाहर लाइए, दो, सांस अंदर, तीन, जीवा अंदर लेनी है, सांस को रोके रखना है, चार, नासिका से ली हुई सांस बाहर छोड़ना। इस तरह से आंखें बंद रखी तो कंसंट्रेशन बढ़ता है बच्चों का, और जो सांस भरी है या तो जीवा में जो ठंडाई महसूस हो रही है उस पर उनको पता चल जाएगा। जैसे कहते हैं शीतली, हाँ, जो मुख के जो रोग होते हैं, जीवा के या अंदर जो रोग होते हैं, तो उसमें इसका लाभ होता है। इससे प्यास कम पड़ती है, पानी आता है, हियरिंग को बाद में बताएंगे। इसके बाद है सिदंती, तो अपने जो दांत होते हैं वो दांत एक दूसरे पर दबाना है इस तरह से, और जीवा का जो अग्रभाग जो होता है वो पीछे से उसको लगाना है, टच करना है दांतों को, दांतों को अंदर से आगे वाला अग्रभाग जो टच करना है, और सांस को भरते समय सिक आवाज करते हुए भरना है, और फिर देखिए सुनने के लिए नंबरवाजी के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, फिर इसको करेंगे। देखिए पहले, और फिर सित सित करके फिर जो लास्ट वाला था उसको जोर से खींचना है, फिर उसको रोके रखना है, और फिर धीरे से नासिका से फिर सांस को छोड़ना है। तो एक में दांत को दबाएंगे और अगर जीवा को पीछे से लगाएंगे, एक में, दो को सांस सित सित करते हुए अंदर भरेंगे, तीन में नंबर
आगे आगे आ रहे हो, बहुत आगे आगे आ रहे थे अपनी लाइन पे। नंबर नंबर जगह जगह कर सकता है, तो उसको सीखना है। उसके बाद हमारा प्रज्ञा संवर्धन वाला जो विषय है, एक तो कल हमने आंखों का सीख लिया, कानों का सीख लिया है, और नाकों का नाक का थोड़ा बहुत सीखा है, बाकी अभी सीखेंगे, और जीवा का हो गया। तो जो बाकी है उसको आज हम पूरा करेंगे। लेकिन ये सीखने के बाद आपको ध्यान में रखना चाहिए, कल जो सीखा है हमने उसको आज फिर हम दोहराएंगे। स्थिति स्थिति यानी हमें स्वस्तिक आसन में बैठना है। स्वस्थ स्वस्थ आसन लीजिए, एक तो अर्ध पद्मासन है, या तो पद्मासन है, या स्वस्तिक आसन, या तो वज्रासन। आपको इसमें से जो भी आसन आता है उस आसन में आप बैठिए। आंखें बंद, हाथ दोनों हाथ घुटनों पर रोल मुद्रा में। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। ध्यान सांस पर, शांति से आंखें खुलिए। मेरी आवाज पीछे आ रही, पहले आंखों वाला एक्सरसाइज, अपना बायां हाथ सामने और अपने अंगूठे के नेल्स को नाखून को देखना है, आंखें बड़ी भूखों को तानना है, आंखें बड़ी और अपना ध्यान सिर्फ अपने अंगूठे के नाखून पर। पलके चिपकनी नहीं, आंखें बड़ी रहे, हिलना नहीं, अपना ध्यान सिर्फ अपने नाखून पर। हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, कस के आंखें बंद करना है। खुलिए। इसके बाद चक्र वाला पांच बार इस राइट टू लेफ्ट घूमेगा और फाइव टाइम्स अपोजिट घूमेगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। धीरे 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 नाखून को देखते हुए उसको घुमाना है। आंखों को बड़ा ही रखना है।
सिर्फ आंखों की पुतलियां घूमेगी, गर्दन वही रहे। एंटी क्लॉकवाइज होने के बाद हम घुटनों पर, आंखें बंद, आंखों में पानी आ रहा है, आने दो, आंखों को कस के बंद करिए। शांति से आंखें खोलिए और इसके बाद वाला हाथ सामने रहेगा, उसको यहाँ पर ही देखना है और फिर धीरे धीरे अपना बायां हाथ बाई ओर जाएगा, सिर्फ आंखों की पुतली अंगूठे पे रहेगी, गर्दन सामने ही। धीरे धीरे फिर से जगह पर लाना है, धीरे धीरे। अब ये मैं मेरे अंकों पे करना है, पांच कहने तक हाथ बाजू में जाएगा, फिर अगले पांच में हाथ फिर जगह पे आएगा, हाथ सामने रहे। फिर से एक बार देखते रहो, आंखें बड़ी, एक, धीरे धीरे, दो, तीन, रुकना है अंतिम स्थिति में, चार, पांच, रुके रहो, फिर से जगह पर लाना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, वेरी गुड। अब बाई ओर करते समय इस हाथ को भी ले जा सकते हैं आप, या तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो हाथ को चेंज कर दीजिए, बदल लीजिए, ध्यान अंगूठे पर, पांच कहने तक बाई ओर, एक, धीरे धीरे, दो, तीन, गर्दन पे उठाना नहीं, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, गुड, आप नीचे। इसके बाद हाथ सामने, पांच कहने तक हाथ ऊपर जाएगा और फिर पांच कहने तक हाथ फिर नीचे तक आएगा और फिर बीच में आएगा, ये प्रोसेस करना है। हाथ सामने की ओर देख रहो, अगर आप आँख बड़ी नहीं करोगे तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब भी आप ये एक्सरसाइज करते हो तो आँखों को तानना है, भुवों को तानना है, ध्यान अपने अंगूठे पर, एक, धीरे धीरे ऊपर, दो, तीन, चार, पांच, गर्दन को हिलाना नहीं है, मुख को शांत ही रखना है, सिर्फ आंखों की पुतलियां ऊपर नीचे होगी, धीरे धीरे नीचे, एक, दो, तीन, चार, नीचे तक ले जाना है, पांच, धीरे धीरे हाथ नीचे जाएगा, बाकी शरीर हिलेगा नहीं, ध्यान अपने अंगूठे पर, फिर से मध्य में लाना है, एक, दो, तीन, देखते रहो, हाथ को मध्य में लाके देखते रहो, आंखें बड़ी, घुटनों पर आंखें बंद, आपको में से पानी आ रहा है? पानी आना ये अच्छी बात है, यानी अब आपके आंखों में सुधार हो रहा है, जो ये जाता है ना कचरा या जो भी बारीक देता है वो निकल जाता है। और कौन सा रहा? नहीं नहीं आंखों वाला कौन सा रहा अभी? हाँ त्रिमिति है, ठीक है। हाथ सामने सजे हुए, दोनों हाथों को देखना है, आंखें बड़ी रहे, दोनों हाथों को देखना है, एक, दोनों हाथों में थोड़ा सा अंतर, दृष्टि सामने की ओर, हम सामने भी देख रहे हैं और
हाथों को भी देख रहे हैं। दो और थोड़ा फैलाओ दृष्टि सामने की ओर, आंखें बड़ी रहे। तीन और थोड़ा फैलाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आंखें। चार, जब ऐसी स्थिति आएगी जब हमें हाथ नहीं दिखते हैं तो उस समय आपको हाथों की उंगलियां लग लेती हैं, लेकिन गर्दन सामने रहे। फिर से पूर्ववत स्थिति, एक धीरे धीरे, दो तीन चार, अब नीचे आपके बंद। तीन बार आंखों को कस के बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, तीन बार कीजिए। बहुत खुश। अब इसके बाद हमें कानों वाला करना है। पहले कर्णदाब, ये जो आंख के बीच जो गड्ढा होता है उसको कानों के चित्रों पर रखना है, और मैं अंक कहूँगा, एक बोलने से दबाना है, और अभी दो बोलने से आपको सुनाई देगा पता नहीं मुझे, लेकिन बीच में 5-10 सेकेंड का समय रहेगा, ध्यान रखना। कानों पर दो, यही पर, ये हाथ को छोड़ते समय इतना दूर नहीं ले जाना, इसको यही पर थोड़ा सा छोड़ना, बस इतना। एक, दो, एक, दो, सीधे बैठे, सीधे रहे। जब आप कान पे दबाव देते हो, दबाते हो, तो अंदर जो हवा बंद है उसकी जी आवाज आवाज है उसको सुनना। अगर आंखें बंद करोगे आप तो आपको अभी उसकी आवाज जो है सुननी पड़ेगी, सुनाई देगी। एक, दो, ऐसे सीधी नहीं रखनी, इसको मोड़ो पीछे वाली, ऐसे करो, ये उंगली को, हाँ उंगली को ऐसे करो। दो, बहुत बहुत। इसके बाद कर्ण रोगा तक उंगलियां जब नीचे होती है तब थोड़ी को ऊपर करना है, और जब थोड़ी नीचे जाएगी तो उंगलियां ऊपर, इस तरह से मालिश। अगर नाखून बने हुए हैं तो उसको बहुत अंदर तक उंगली को डालना नहीं, ऊपर के ऊपर ही, ठीक है। स्थिति, स्थिति ऊपर देखिए, हाथों की उंगलियां नीचे, उंगलियां नीचे और गर्दन ऊपर। एक, थोड़ी नीचे आएगी उंगलियां ऊपर। दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, बहुत 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 बहुत। अब देखिए आपने उंगलियों में कुछ लगाया क्या, उंगलियों में लगाया कुछ? हाँ, कान साफ हो रहे हैं, ये पॉलिश होती है, और अपने जो छिद्र है वो गले रहते हैं, अंदर जो भी मैल या गंदगी की होती है वो धीरे धीरे निकल आ जाती है। इसके बाद कर्ण रोगांतक जो सांस भरनी है, सांस भरी हुई मुख में लाना है, उनको फुलाना है, और नासिका को बंद करके उस ली हुई सांस को ऊपर की तरफ उसको दबाना है, ऐसे पांच टाइम उसको करना है। सांस भरने के बाद हवा ऊपर की तरफ दबी जाती है, खींची जाती है, और बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसको एक तो कान वाले छिद्र है, या तो आंख में से, यहाँ पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उसमें से बाहर पड़ती है। आपको अनुभव करना है, ये करते समय
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ कानों से क्या हो रहा है, इसको अनुभव करना। सांस अंदर नहीं, सांस मुख में लाना है, मुख को फुलाना है और नासिका को बंद करने के बाद 5 स्ट्रोक लगाना है ऊपर की तरफ, हवा को ऊपर की तरफ। फाइट टेंशन एक बार जो सांस ली है उसको नासिका से बाहर छोड़ना है। इसको महसूस हुआ कान में से बाहर आ रही है और यहाँ पर कुछ हुआ है, ये बहुत संवेदन यानी ये जल्दी पता नहीं चलेगा, उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ठंडक महसूस हो रही है हल्का सा। सही, हम लोग सुबह नींद से उठते हैं तो आंखें भारी हो जाती है, भीड़ आती है तो यही से आती है ना वो, तो यही पर बारिश के क्षेत्र होते हैं। तो ये कानों वाला हो गया और वो सारा गले का अपना रह गया था, तो ये उपासना में भी कर सकते हैं हम। उपासना में क्या कर सकते हैं, जो आप आपको भ्रामरी सिखाई है, आपने किया है भ्रामरी, तो उसको क्या करना है, अंगूठे को कान में डालना है और ये 4 उंगलियों को अपने माथे पर रखना है इस तरह से, और फिर सांस भर के उसको भ्रामरी करना है। तो नाक से, मुंह बंद है, भ्रामरी नाक से ही करना है, मुख को खोलना नहीं। प्रणव उच्चार करते समय हम मुख को खोलते हैं लेकिन भ्रामरी करते समय वो नासिका से करना है। भ्रमर जिस प्रकार से गुंजन करता है उसी प्रकार से हमें वो गुंजन करनी है। हम एक बार इसको करेंगे, अंगूठा कान में और उंगलियां माथे पर, दोनों अभी एक मेरे हाथ में एक तो माइक है ना, हाँ दोनों हाथों की अंगूठे कान पर माथे पर उंगलियां, सांस को भरना है, दीर्घ सांस, श्वास अंदर, आंखें बंद रहे, भ्रमर जैसे गुंजन। ये जब हमने गुंजन किया तो अंदर के अंदर ही कानों में और ऊपर इसकी जो लहरें या गुंजन हो रहा है उसको अनुभव किया आपने अंदर के अंदर, या सभी ने भारत माता की जय। पीछे वाले लोग सो गए, वो सो गए, महेंद्र मलय सही हो गाय ना सुने, तुझे बोलना है तो ध्यान रखिए मेरी आवाज लास्ट तक आ रही है। अब इसके बाद जीवा वाला, एक तो जीवा पहले हमने सीखा, हाँ गोल करना उसको बोलते हैं शीतली, फिर दांतों पे दांत रखकर पीछे से जीवा का अगर भाग उसको टच करना उसको सदंत, और फिर जीवा को मुख खोल के बाहर निकाला उसको बोलते हैं काली मुद्रा, है ना, और उसमें थोड़ा और चेंज किया तो उसको सीएम मुद्रा भी बोलते हैं सियान, तो योगासन में हम करते हैं लेकिन ये हमने गीता परिवार ने इसको इसमें किया है तो इसे काली मुद्रा हम बोलते हैं। तो पहले करेंगे हम शीतली, जीवा को बाहर निकालना है, वो भ्रामरी कानों में उंगलियां डाल के भ्रामरी बोलते हैं। तो पहले हम जीवा को बाहर निकाल के शीतली करेंगे, जीवा बाहर, कल हम 4 अंकों में सीखे थे ना उसी 4 अंकों में करेंगे। 1 जीवा बाहर, 2 जीवा को रोल करना है,
बाहर निकालना है जीवा, अंदर के अंदर ऐसे नहीं, अंदर ये बाहर। तीन, अंदर से रोने लगे से सांस को अंदर भरना है। जीवा को बाहर अंदर लेना है, होठों को बंद, फिर नासिका से सांस भरी हुई बाहर। फिर से एक बार जीवा बाहर, दो रोली करना है, तीन जीवा को अंदर लेना है, चार। इसके बाद सदर तक एक दांतों को दांतों पे दबाना है, दो जीवा को पीछे से दांतों को लगाना है, तीन सांस भरते हुए और एक बार एक दो सांस को भरना है, तीन हाँ पीछे सांस भरते हुए कोई कपाल भाती करना तो गलत है। सांस जो भरते हो तो दांतों में से जो छिद्र होते हैं दांतों वाले, है ना, दांतों वाले या जबड़े में जो, इसे क्या कहते हैं सदंत, अंदर वाले जो भी दांतों के ऐसे विकार होते हैं, तो जब आप इसका अनुभव करोगे तो जब सांस भरते हो दांतों के बीच जबड़ों में इसकी ठंडक महसूस होगी, है ना, ठंडी हवा अंदर जा रही है, तो हम सांस को यहाँ से भर रहे हैं दांतों के बीच से, तो उसको कपाल भाती नहीं करनी, सिर्फ सांस यहाँ से भरनी खींचना। और जब ये चार पांच बार हम सिक सिक करके होता है तो लास्ट वाला जो करके चीज में, हमने कभी गन्ना खाया है ना, गन्ना खाते हैं ना, हाँ, तो गन्ना खाते समय क्या करते हैं, रोटी को निकलते हैं चबा चबा के, फिर क्या करते हैं चबाते चबाते और फिर लास्ट वाला पूरा खींच लेते हैं, तो जैसे करना है। ये हो गया सदन तक। इसके बाद काली मुद्रा दो बार करनी है, एक में जीवा बाहर ऊपर से, दो में मुख को बंद करना है, दोनों हाथों पर बीच बीच में ध्यान रहे कि अपनी स्थिति बिगड़ गई है या ठीक है, इसको ध्यान रखना। और घुटनों पर अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसका बड़ा मुंह खुलता है। एक, 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 एक। जीवा बाहर, दो 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 एक, 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 एक। अधिक से अधिक मात्रा में जीवा थोड़ी की है और दो 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 ठीक। जो लोग व्यसन करते हैं गुटखा खाते हैं उन लोगों का मुंह तो खुलता ही है, इतना ही तो इतना खुलेगा तो खाने में तकलीफ होती है। और हमने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जीवा को यहाँ भी लगाते हैं और यहाँ भी लगाते हैं, लगती है ना, तो ये जीवा का एक्सरसाइज है। ये करने से जो अपने मुख पर जो जो बारी बारी जो सूक्ष्म स्नायु होते हैं उन स्नायुओं को तनाव क्षमता बढ़ती है और उसमें उससे काम मिलता है, ठीक है। तो ये जीवा वाले हो गए और अभी नासिका वाले हमने जो कल सीखे थे कपाल भाति उसको एक बार करेंगे। हाथ दोनों घुटनों पर, दोनों हाथ द्रोण मुद्रा में अंकों के साथ सिर्फ झटके से सांस को छोड़ना है और महसूस ये करना है कि सिर्फ सांस छोड़नी लेनी नहीं, आने वाली आएगी, आप कितना भी आने वाली को रोकने की कोशिश करोगे ना तो वो आती रहेगी, क्योंकि हम एक मिनट से ज़्यादा बिना सांस लिए हुए नहीं रह सकते। दो दिन खाना नहीं खाया तो हम रह सकते हैं, एक दिन पानी भी नहीं पिया तो हम रह सकते हैं, लेकिन ये सांस बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको प्राण वायु बोलते हैं, ये हमारी प्राण है, तो इसे लेते समय छोड़ते समय बड़े ध्यानपूर्वक इसको करना है। दोनों हाथ घुटनों पर झटके से सांस को बाहर छोड़ना है, आंखें बंद
एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार। रुकिए जी, सांस को महसूस करना है, अनुभव करना है, आगे बढ़ते रहिए। ऐसे ही गर्दन ऊपर पीछे छोड़ना है, पीछे की ओर गर्दन, पीछे की ओर आंखें बंद रहे, यही कपालभाति वाली स्थिति। एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार। आंखें बंद रहे, गर्दन को सामने, और अपनी रुकी हुई थमी हुई सांस जो है इसका अनुभव करना है। वैसे ही गर्दन नीचे, आंखें बंद रहे, थोड़ी सेंटर के गड्ढे में दबाना है। इसी प्रकार अंकों पर कपालभाति, एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार। यहाँ तक हमने सीखा था, और हम सीखेंगे चंद्र नारी शोधन, चंद्र राइट ऑफ स्ट्रेंथ और सूर्य लेफ्ट ऑफ स्ट्रेंथ। ऊंचाई वाला ने अभी हम नया सीख रहे थे, है ना? हाँ, उसने सीखा है, लेकिन अभी हमारे पास कम समय है, इसलिए हम आगे वाला सीखेंगे और फिर दोहराएंगे। कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं, राइट और लेफ्ट, चंद्र सूर्य नाड़ी, सूर्य राइट, चंद्र और सूर्य यानी
मैं बोलने में गलत बोल दिया, सूर्य यानी राइट नॉस्ट्रिल और चंद्र यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो अभी हमें करना है चंद्र नाड़ी शोधन। तो इसे क्या करना है, अभी अपने हाथ का जो अंगूठा है, अंगूठा और अनामिका, ये जो करंगुली के पास जो अंगुली होती है उसको अनामिका कहते हैं, और ये अंगूठा है। तो इन दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है। अंगूठे से अपनी जो राइट नोस्ट्रिल जो है सूर्य नाड़ी, उसको इस तरह से सिर्फ उस पर रखना है। आप देखिए, पहले समझिए, यहाँ पर रखना है और हल्के से उसको बंद करना है, ऐसे दबाना नहीं पूरा, है ना। बच्चे करते हैं ऐसा, उनको कहाँ जाए तो वो पूरा दबा देते हैं, दबाने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पर रखना है हल्के से, और फिर गर्दन को बाई ओर घुमाना है, इस तरह से। इस तरह से घुमाने के बाद ये बंद रखना है, फिर आंखें बंद रहेगी। इसी प्रकार इसे कहते हैं चंद्र नाड़ी शोधन, यानी सिर्फ अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से कपाल भाति करना है, लेकिन उसको गर्दन को घुमाने में। तो इसे कहते हैं चंद्र नाड़ी शोधन। और उसी प्रकार जब हम गर्दन को बाई ओर घुमाते हैं, राइट को, राइट साइड, तो दाया बाई ओर, बाई ओर घुमाना है। नहीं, वो आपका, सॉरी सर, अभी हमने बाई ओर किया ना, हाँ, तो हम अभी इसको गर्दन को दाई ओर घुमाएंगे और हाथों के अनामिका से अब अपनी लेफ्ट 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 नोस्ट्रिल को बंद रखोगे और सिर्फ राइट नोस्ट्रिल से कपाल भाती करोगे इसी प्रकार से। तो हम पहले करेंगे चंद्र नाड़ी शोधन, लेफ्ट साइड, अपनी लेफ्ट साइड, इस साइड में हाथों का अंगूठा, राइट नोस्ट्रिल को बंद रखिए, गर्दन को अपनी लेफ्ट साइड घुमाइए, आँखें बंद रहे, गर्दन को घुमाइए लेफ्ट साइड, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। काका जी, आप हाथ चेंज कर दीजिए, इस वाली इसको बंद करो, हाँ, वाले हाथ से, हाँ, राइट राइट को बंद करना है, राइट को बंद करना है और सिर्फ लेफ्ट से छोड़ना है, अपनी सांस सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से आउट होगी, राइट। एक, दो, तीन, चार, 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 एक, दो, तीन, चार। आंखें बंद रहे, दोनों घुटनों पर गर्दन सामने की ओर, गर्दन को
लेफ्ट साइड घुमाया और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके सिर्फ लेफ्ट से हमने सांस को छोड़ी, उसे कहते हैं चंद्र नाड़ी शोधन। अब हम करेंगे सूर्य नाड़ी शोधन, बिल्कुल इसके अपोजिट, लेकिन अभी राइट नॉस्ट्रिल खुली रहेगी, लेफ्ट को इस अंगुली से ऐसे। अभी बहुत लोगों का ऐसे हो रहा है, ये स्थिति हो रही है, ये हो रहा है, पोजीशन गलत हो रही है ना, तो शरीर पे कहीं भी तनाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ गर्दन को घुमाना है, गर्दन घुमाओ और अभी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करो, लेफ्ट लेफ्ट, रेडी, अनामिका से लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ये वाली वाली, हाँ, गर्दन घुमी हुई, आंखें बंद, एक दो तीन चार, 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 आंखें बंद रहे, गर्दन सामने, हाथ घुटनों पर, ये अगर गलत किया तो जितना फास्ट इसका रिजल्ट है, लाभ है, उतना फास्ट उसका नुकसान भी है। आप उसको ऐसा बैठ के करोगे तो नुकसान है, गलत करोगे, कपाल भाती कल हमने चेक की, ये छोड़ा ये लिया है ना, तो लेना नहीं है। देहातों में वो अभी भी लोग है जो लोहार काम करते हैं, पता है ना, उनके पास एक भाता होता है, वो खींचते हैं, हवा जोर से फंस करके बाहर आती है ना, तो जो भाता होता है ना, तो उसी ये कपाल भाती है ना, जड़ से इस तरह से उसको बाहर निकालना है, याद रहेगा या और एक एक बार करना है, बिल्कुल क्योंकि अभी हमें आगे भी सीखना है, अलग जिनको करना चाहते हैं वो रुके, फिर हम उनका करवाएंगे, जिनको कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बाद में रुके और मिले। ये हमने शोधन किया, अब हम करेंगे चंद्र नाड़ी भेदन, शोधन और भेदन इसमें थोड़ा सा फर्क है। जब भी हम इस नोस्टिल को नासिका को बंद करते हैं तो राइट को लेफ्ट अंगूठे से करना है और लेफ्ट को अनामिका से, है ना, राइट हैंड के अंगूठा और अनामिका, ये दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करिए तो हमें अच्छी तरह से हम इसको कर सकते हैं। कुछ ये है क्या, अभी क्या करना है देखिए, अभी राइट को, राइट नोस्टिल को राइट हाथ के अपने हाथों वाले थंब से इसको बंद करना है, हल्के से रखना है, कुछ लगा कुछ आप बोलने आ रहे हो, ये जो हमें हम लोगों ने जो कपाल भाती की ना,
तो हम सभी की मिलके जो हवा है अभी वो बाहर आ रही है, इतनी सब हमने छोड़ी, कितनी ठंडक महसूस हो रही है। अब इसे क्या करना है, सेम प्रोसेस, इसको बंद रखना है। अब गर्दन सामने रहेगी, लेफ्ट से आप पहले समझिए इसको, जब टीचर स्कूल में सिखाते हैं ना तो बच्चे तुरंत उसको फॉलो करते हैं, जो क्या कहना चाहते हैं उसको पहले समझिए, और एक बार हम समझ लेते हो तो बार बार समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब क्या करना है, चंद्र नाड़ी शोधन करते समय लेफ्ट से सांस को झटके से छोड़ना है, छोड़ने के बाद उसको अनामिका से बंद करना है और राइट को खुला छोड़ना है, और फिर राइट से सांस को अंदर आने देना है, फिर राइट को बंद करना है, लेफ्ट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट को बंद करना है और राइट से अंदर सांस को आने देना है, फिर राइट को बंद करना है, लेफ्ट से छोड़ना है, यानी हमें छोड़ना है सिर्फ लेफ्ट से, छोड़ के लेफ्ट से लेना नहीं है, सांस भरनी है वो राइट नोस्ट्रिल से और छोड़नी है लेफ्ट से। समझ में आ रहा है ना, ये भेदन है, एक दूसरे को भेदन करते हैं, तो अब चंद्र नाड़ी भेदन कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ लेफ्ट से हम इसको छोड़ेंगे और राइट से अंदर आने देंगे, ठीक है। एक बार हम इसको करते हैं, अब देखिए मैं पाँच बार करता हूँ, ठीक है, सिर्फ नाइट लेफ्ट से छोड़ना और राइट से अंदर आना, मेरे आंखों पे करना है, मैं एक कहूँगा तो आपको लेफ्ट से छोड़ना है, राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है, तुरंत लेफ्ट को बंद करना है और राइट से आने के बाद तुरंत राइट को वहीं रुकना है, फिर दो को फिर राइट बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है, रेडी, राइट बंद है, राइट उस साइड में वो आ तो मुझे लग रहा है आप लोग गलत कर रहे हो, कुछ लोग तो कर रहे हैं ठीक से, लेकिन कुछ कुछ लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा किसको लग रहा है कि मेरा गलत हो रहा है, मुझे समझा नहीं, वेरी गुड, फिर से मैं समझाता हूँ, अभी पहले वाले से तो बहुत धीरे मैंने अभी ये नंबर पुकारा है, मुझे पता है इसमें थोड़ा रुके, सांस भरने में तो कुछ एक सेकंड भी नहीं लगता है, आंसर आ जाएगा, हाँ बस, हाँ हमें छोड़ना है सिर्फ अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से, तो अपना कॉन्सेंट्रेट कहाँ रहे, छोड़ने पे, लेफ्ट पे, और जब आप लेफ्ट से छोड़ते हो तो छोड़ने के बाद तुरंत लेफ्ट को बंद करना है, लेफ्ट से छोड़ने के बाद तुरंत लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है, इस अंगूठी से, ये अंगूठी अनामिका से, ये क्यों छोड़ना है, क्योंकि राइट से सांस को अंदर आने देना है, उसका द्वार खुला करना है तो ही सांस अंदर आएगी, है ना, इसीलिए अपना अभी चंद्र नाड़ी भेदन में राइट नोस्ट्रिल वाला काम है वो अंदर आने वाला है और लेफ्ट नोस्ट्रिल वाला काम है जो बाहर जाने वाला है, यही प्रोसेस हमें करनी है, तो आप करते समय ध्यान रहे कि अपनी सांस सिर्फ लेफ्ट से जा रही है, बाहर छूट रही है और राइट से अंदर आ रही है, इसको ध्यान देके हुए करना है, मेरे अंकों पे करना है, फिर से एक बार मैं धीमी गति से
नंबर दूंगा, फिर से स्थिति, और आंखें बंद रखिए तो आपका ध्यान अधिक उस पर रहेगा। दाया हाथ कहते हैं अनुलोम विलोम, जिस नासिका से छोड़ रहे हैं उसी से अंदर आने देनी है, फिर उसको बंद करना है, फिर दूसरे नासिका से छोड़ना है, फिर उसको बंद करना है, फिर अब फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट। दो एक दो रुक जाओ, समझ आ रहा है सबको, समझ आ रहा है? अब हम एक बोलते समय एक पे दोनों नासिका से करेंगे ऐसे, फिर रुकना, फिर दूसरे वाले आंख में, फिर दोनों नासिका। रेडी? पेट दर्द हो रहा है झटके से, पेट पूरा खाली हो गया है, ये शुरू में होता है, नहीं नहीं, क्योंकि अंदर वाली जो भी इतनी सारी यंत्रणा है अंदर, हम उनको हिला रहे हैं, अंदर बाहर चटके दे रहे हैं। रेडी? ठीक है, रेडी खड़े सीधे रहे, अपना बाया दाया हाथ एक दोनों से, दो तीन चार, एक 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 दो कृष्णाओं पर ध्यान दीजिए, फिर मिले हुए हाथों की कोहनियां जमीन को समांतर, अपना ध्यान सूर्य भगवान की ओर। सदा सवितृमंडलमध्यवर्ती, पदों को बिना छोड़ना है, हल्के से पीछे खींचना है, सवितृमंडलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा केयूरबाण मकरकुंडलबाण किरीटी हारिहिरणमेवपो धृतशङ्खचक्रः। ओम सूर्यनारायणाय नमः। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर, कमर आगे, ध्यान दोनों हाथों के बीच, दो सांस छोड़ते हुए सामने से आगे झुकना है, माथा घुटनों के पास रहे, कोशिश करें, तीन बायां पैर पीछे और आगे वाला पैर और दोनों हाथ एक ही दिशा में, आगे वाला पैर और दोनों हाथ एक ही रेशा में, पीछे वाले पैर का घुटना जमीन पर लगा हुआ, जमीन पर लगाना है, लगाओ नीचे लगाओ, और कमर को नीचे दबाओ और ऊपर देखो आकाश की ओर, कमर नीचे दबाना है, बात नहीं करना पेट में, ग्रीन टी शर्ट विवेक भैया, ग्रीन टी शर्ट, ग्रीन येलो टी शर्ट आपके पास, आगे वाला पैर और दोनों हाथ एक रेशा में, कमर नीचे दबी हुई, अब पीछे वाला पैर पहले सीधा करना है और फिर आगे वाले पैर को पीछे लेना है, चार कमर वही रहे, नीचे ऊपर नहीं करना, कमर नीचे भैया, कमर नीचे, स्लोप होना चाहिए स्लोप, हाँ ऐसे, दो नंबर भैया ब्राउन ग्रे टी शर्ट, हाँ कमर नीचे लो, कमर नीचे, चार घुटने सीना और माथा, माथा माथा लगाना है, गाल को नहीं,
कमर कमर येलो टी शर्ट येलो सीना सीना लगाओ नीचे सीने को नीचे जमीन पे लगाओ कमर को ऊपर उठाओ छह सांस भरते हुए भुजंगासन सीने को ऊपर उठाना है कमर से ऊपर आओ सीना ऊपर वेरी गुड ऊपर देखिए आकाश की ओर एक मिनट आप आपस में बात मत कीजिए मैं जो सूचना दे रहा हूँ उनको ध्यान में रखते हुए आपको करना है पीछे वाले पैर मिले हुए और पीछे वाले पैरों की उंगलियां जमीन पर रहे उंगलियां कमर से नीचे वाला भाग जमीन पर रहे और कमर से ऊपर वाला भाग उठाया हुआ आकाश की ओर देखिए पैर मिले हुए सांस कमर ऊपर लाना है हाथ और पैर वही रहे कमर ऊपर पहाड़ की तरह करना है और थोड़ी को अंदर थोड़ी अंदर एरिया जमीन पर गर्दन को अंदर दबाना है थोड़ी को अंदर दबाना है कमर ऊपर जैसे सीसॉ का झूला होता है जो पैर पीछे लेके गए थे आप उसी को आगे लाना है दोनों हाथों के बीच झटके से जर्क दोनों हाथों के बीच आना चाहिए हाँ नौ पीछे वाला पैर आगे वाले पैर को मिलाना है यानी दो वाली स्थिति नौ नौ का दो वाली स्थिति दस एक वाली ऐसे 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 एक यानी सिद्ध स्थिति सूर्य नमस्कार वाली स्थिति अभी आप लोग क्या क्या करते हैं पांच तो ठीक किया लेकिन उसके आगे अभी आप लोगों ने जो किया उसको मैं करता हूँ देखिए सामने चढ़ जाना सामने चढ़ जाओ ऐसे नहीं ऐसे कंधों को ऐसे नहीं कंधे थोड़े पीछे पीछे हुए है ना और थोड़ी सी सामने की ओर उधर लगे हैं ना उधर से उसे क्लियर दिखेगा साइड में इसका स्टैंड वहीं भूल गया जल्दीबाजी में बैटरी लेने गए थे ओल्ड इसका इसमें लगा है रखते समय हाथों को यहाँ पर रखना है आगे नहीं बहुत लोग नहीं सके उस तरफ रखे ना तो ऐसे सीधा सब कुछ दिखेगा तो यहाँ पर रखना है फिर यहाँ से एक पैर पीछे और ऐसे नहीं ये वाली स्थिति ऐसे नहीं तो तानना है पीछे वाला पैर को तानना है ऐसे एकदम सिंपल नहीं है जाने तो है ना इसको तानना है और पीछे वाले पैरों की उंगलियां ऐसे जमीन पर ऐसे नहीं छोड़ देना छोड़ना नहीं पैर जमीन पर है कमर को दबाना है और ये वाली स्टेप अभी मेरी कमर यहीं पर है ना यहीं पर है कमर तो यही रहेगी बहुत लोगों का क्या हो रहा है This is wrong. गर्दन है गर्दन को यही रखना है और जमीन पे अभी यहाँ से बस नीचे जाना है बहुत लोगों ने ये किया कोई तो सो ही गया कितने सो गए अब इसके आगे पैर छोड़ दिए पैर को ऐसे रखना है यू और ऐसे
फिर आगे वाली स्थिति हाथ और पैर वहीं पर है, सिर्फ कमर को ऊपर लाना है, गर्दन को ऐसे नहीं अंदर की तरफ। तो इससे क्या होता है, एड़ी जो होती है जमीन में टच हो जाती है, एड़ी टच होने से ये जो मसल्स होते हैं यहाँ के उनको तनाव महसूस होता है। आप आगे वाली, बहुत लोगों का ये नहीं हो रहा है, यही तक आ रहे, ये तो गलत है। हमें दोनों हाथों के बीच अपने पैर को लाना है, ये प्रयास से होगा, लेकिन लाते समय बिल्कुल जर्क। अभी कोई कोई लोग तो प्रयास कर रहे हैं ऐसा, हाँ तो आया लेकिन एक झटके से आएगा। पहली बार कर रहा था, झटका भी रहा है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। और फिर ये वाली स्टेप, और फिर ये, ठीक है, ऐसे नहीं, एक बार फिर से, एक बार फिर से करेंगे। सूर्य नमस्कार स्थिति, सूर्य नमस्कार स्थिति। बच्चे कितना करते पता है, अगर कंपटीशन दिया जाएगा ना, 5 दिनों में बच्चे कम से कम 100 करेंगे, यानी 10 अंकों वाला एक, ऐसे 100 कम से कम। भाई सूर्य नमस्कार स्थिति आज कर लेंगे, वाह वेरी गुड, चलो देखते हैं। ओम मित्राय नमः। सब कोशिश करें कि ठीक ढंग से करेंगे, पैर मिले हुए, रेड टी शर्ट आप ही मेरे तो, हाँ पैर नीचे वाले पैर नीचे होते हैं। ए सांस भरते हुए ध्यान दोनों हाथों के बीच करमूलों पर, दो सांस छोड़ते हुए माथा घुटनों के पास, माथा घुटनों के पास। अब ध्यान रहे हाथ बिल्कुल पैरों के पास में रखना है और फिर एक पैर पीछे ले जाना है। तीन, अब आगे वाला पैर और दोनों हाथ एक ही रेशा में और दृष्टि ऊपर आकाश की ओर, भैया हाँ आकाश की ओर दृष्टि, और हाथों के तलवे पूरे जमीन पे रखना है, तलवों को उंगलियों को नहीं, हाँ तलवा ऊपर देखिए, पीछे वाला पैर का घुटना जमीन पे लगाओ, पीछे वाला पैर घुटना जमीन पे। अब पीछे वाला पैर स्ट्रेट करने से कमर जहां तक आएगी ना वही रखनी है, कमर ऊपर नीचे नहीं करनी, चार चार, हाँ बात नहीं, पीछे वाले कमर नीचे करो, व्हाइट शर्ट, पांच घुटने सीना और माथा, कमर ऊपर की तरफ, घुटने सीना माथा, अष्टांगासन, हाथों की कोहनियां आकाश की ओर, पैर मिले हुए पीछे, पैरों में अंतर नहीं रखना। छह, अब सीना ऊपर उठाना है भुजों की तरह और आकाश की ओर देखना है, ऊपर ऊपर देखे, पीछे पैर मिलाओ, एड़िया मिलाओ भैया, एड़ी मिलाओ और उंगलिया उंगलिया जमीन पे रखो, उंगली ऐसे ऐसे, हाँ अभी हाथ और पैर को हिलाना नहीं, सिर्फ कमर ऊपर लाना है पहाड़ की तरह, सांस और गर्दन को अंदर की तरफ दबाओ, थोड़ी सीने में लगाओ। आप लोगों को क्या हो रहा है, जरा दीदिया आपको नहीं करना तो शांति से बैठिए ना, येलो टी शर्ट आप दोनों ने पैर को खींचा या तो हाथ को खींचा है, मैंने कहा था हाथ और पैर को खींचना नहीं, उनकी जगह को बदलना नहीं। हाँ हाथों के बीच पैर, पीछे वाला पैर जो आप पीछे ले गए थे उसी को जर्क करके दोनों हाथों के बीच, और पीछे वाला पैर तना हुआ घुटना जमीन पर, घुटना जमीन पर। नौ,
दस वेरी गुड, बहुत अच्छे और सूर्य नमस्कार स्थिति ओम सूर्याय नमः एक साथ भरते हुए दो साथ छोड़ते हुए तीन साथ भरते हुए चार कमर नीचे कमर स्लो रहे पांच घुटने सीना माथा छह भुजंगासन आकाश की ओर पीछे पैर मिले हुए पैरों को मिलाओ सात कमर ऊपर की ओर पहाड़ की तरह गर्दन अंदर दृष्टि ऊपर सामने की ओर आपका पैर आने वाला घुटनों पर घुटनों पर माता बिल्कुल घुटनों के पास रहे दस बहुत अच्छा किया खुश हो गया मेरे रवये नमः एक साथ भरते दो साथ छोड़ते अरे भैया आपको एक से पानी चले गए तीन चार कमर नीचे बीच में रहे कमर पांच घुटने सीना माथा छह सात गर्दन को अंदर की ओर आठ दोनों हाथों के बीच बिल्कुल नौ दस और बस बहुत परमानंदम कृष्णं वंदे जगत्गुरुं।